Hello everyone, in today's lecture we are going to cover question number 8, 9, maybe 10 of bills of exchange. We are doing this practical sum, so let us start with the session. So this is question number 8 in front of you. Let us read it first. Read the question. Seema purchased goods from Roma on credit on 1st August 2019 for 37,000 rupees. So Seema hai aur Roma hai. There are two parties. सीमा परचेस गुड्स, तो सीमा कौन होगी? बायर, ठीक है, सीमा इज बायर. किससे परचेस किया? रोमा से. रोमा कौन है? सेलर, ठीक है. सीमा एक्सेप्ट्स बिल फॉर टू मंथ्स ड्रॉन बाय रोमा, तो दो महीने का बिल यहाँ पे ड्रॉ हुआ. फॉर द सेम अमाउंट ऑन द सेम डे रोमा डिस्काउंट्स द बिल विद द बैंक. तो यहाँ पर हमको डिस्काउंटिंग का एंट्री पास करना है. क्या है डिस्काउंटिंग एंट्री? इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर कैश और बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, बिल गया, ठीक है ना. तो डिस्काउंटिंग का इफेक्ट हम देंगे. हमारे लिए जो डिस्काउंट का अमाउंट है वो कितना है बोलो? 37,000 माइनस 36,200 कितना आया? 800. तो 800 रुपीज क्या होगा? डिस्काउंट का अमाउंट, ठीक है, राइट. Then what is written here? On the due date, the bill is dishonored and noting charges of rupees 160 is paid by the bank. देखो क्या हो गया? Due date जब आया तो bill हो गया dishonored और noting charges 160 rupees bank को pay करना पड़ा, ठीक है. तो उसका भी entry हम pass करेंगे. Seema pays 19,000 and noting charges इन कैश इमीडिएटली. क्या बता रहे हैं? अमाउंट कितना था? 37,000, है ना. तो सीमा ने पे किया, कितना पे किया? 19,000 एंड नोटिंग चार्जेस इन कैश इमीडिएटली. तो हमको सीमा से कुछ पैसे मिल गए जिसे हम क्या बोलते हैं? पार्ट पेमेंट रिसीव्ड. क्या बोलते हैं? पार्ट पेमेंट रिसीव्ड, ठीक है. तो उसका रिसीट का हम लोग इफेक्ट पास करेंगे. अ न्यू बिल इज ड्रॉन. अभी देखो रिन्यूअल का बात आ रहा है यहाँ पर. तो रिन्यूअल के लिए कितनी एंट्री है? फोर एंट्रीज. पहला कैंसिल करेंगे, कैंसिल फॉर रिन्यूअल. नंबर टू, आप यहां पर इंटरेस्ट चार्ज कर सकते हो. नंबर थ्री, पार्ट पेमेंट रिसीव्ड. और नंबर फोर क्या करना है? न्यू बिल ड्रॉन, ठीक है. तो यहां पर क्या बताया? अ न्यू बिल इज ड्रॉन बाय रोमा फॉर द बैलेंस इंक्लूडिंग इंटरेस्ट रुपीज 650 फॉर टू मंथ, दो महीने का है और इंटरेस्ट का वैल्यू हमें बता दिया 650 रुपीज, विच इज एक्सेप्टेड बाय सीमा. सीमा ने क्या कर दिया? एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है. द न्यू बिल इज रिटायर्ड वन मंथ बिफोर द ड्यू डेट एट द रिबेट ऑफ 300. और सीमा ने क्या किया? एक महीने पहले ही बिल को क्या कर दिया? रिटायर कर दिया, ठीक है, ड्यू डेट से एक महीने पहले ही. और हमें उसे 300 रुपीज का डिस्काउंट देना पड़ा जिसे हम क्या बोलते हैं? रिबेट बोलते हैं. तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? देखो, गिव जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ सीमा. किसके बुक के अंदर बोल रहे हैं? सीमा के बुक में. सीमा कौन? ड्रॉवी, है ना. इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवी हमको जर्नल एंट्री पास करनी है. एंड प्रिपेयर सीमाज अकाउंट इन द बुक्स ऑफ रोमा. सीमा का अकाउंट इन द बुक्स ऑफ रोमा. आप यहाँ पर आप कंपेयर करो, यहाँ पर लिखा था इन द बुक्स ऑफ सीमा और यहाँ पर लिखा है इन द बुक्स ऑफ रोमा. तो क्या दोनों सिंक हो रहा है आपस में? नहीं हो रहा है ना. दोनों बुक्स क्या है? अलग है. तो इस क्वेश्चन में हमें ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है ना. रफ में हमको कुछ जर्नल एंट्रीज पास करनी पड़ेगी. तो चलो सबसे पहला जो पार्ट है, गिव जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ सीमा, है ना, इसको हम पहले फिनिश करते हैं. तो लेट अस स्टार्ट विद द सेशन. सॉल्यूशन के साथ में स्टार्ट करते हैं. देखो मैंने यहाँ पर पुट कर दिया क्वेश्चन नंबर 8. हाँ, इसका सॉल्यूशन आ गया यहाँ पर, ठीक है.
और यहाँ पर बोला गया है जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ सीमा, राइट, गिव जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ सीमा. तो यहाँ पर ऑलरेडी ड्रॉ करके रखा हुआ है फॉर्मेट, जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ सीमा, ब्रैकेट में ड्रॉ भी, ठीक है. तो हम पहले जर्नल एंट्री पास करने जा रहे हैं इन द बुक्स ऑफ सीमा. डेट, पहला डेट क्या लिखा हुआ है, देखो 1st August 2019 यहाँ पर पुट कर दिया, ठीक है, 1st August 2019. अच्छा, हम कौन है, ड्रॉवी हैं. ड्रॉवी हैं मतलब क्या हो रहा है यहाँ पर, सबसे पहले सीमा परचेस गुड्स, हमने गुड्स परचेस किया तो परचेस की एंट्री आएगी. परचेस की एंट्री क्या है, परचेसेस अकाउंट डेबिट, परचेसेस अकाउंट डेबिट, ठीक है. कितने का परचेस हुआ, 37,000. टू, किससे परचेस किया हमने, रोमा, रोमाज अकाउंट 37,000. नरेशन आ जाएगा, बीइंग गुड purchased on credit, being goods purchased on credit, ठीक है ना. एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, नेक्स्ट. सीमा एक्सेप्ट बिल फॉर टू मंथ्स ड्रॉन बाय रोमा फॉर द सेम अमाउंट ऑन द सेम डे, ठीक है. तो यहाँ पर डे के बाद क्या आना चाहिए, फुल स्टॉप आना चाहिए, जो उन्होंने नहीं लगाया कोई बात नहीं. तो सेम डे हम लोग यहाँ पर क्या कर लेते हैं, लिख लेते हैं 1st August 2019, ठीक है. क्या हुआ यहाँ पर, हमने बिल एक्सेप्ट किया, बिल एक्सेप्ट किया मतलब बिल जा रहा है, किसके पास जा रहा है, रोमा के पास जा रहा है. तो रोमास अकाउंट डेबिट, ठीक है, रोमा का अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा. कितने से, 37,000. एंड वी विल क्रेडिट टू बिल्स पेएबल बिकॉज इट इज गोइंग आउट, बिल्स पेएबल. डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. तो बिल जा रहा है, बीइंग बीइंग बिल एक्सेप्टेड फॉर टू मंथ, ठीक है ना, बिल दो महीने के लिए एक्सेप्ट किया. We'll draw a line. Then, आगे क्या हुआ, रोमा डिस्काउंट्स द बिल विद द बैंक फॉर 36,200 ऑन 3rd August 2019. बिल क्या किया गया, डिस्काउंट किया गया, ठीक है, कब किया गया, 3rd August 2019. वी विल राइट 3rd August 2019. अच्छा, डिस्काउंट किया है तो हम पहले क्या लिखेंगे, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट. देन डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, और हमारे पास से क्या जा रहा है, सॉरी, गॉट इट. फ्रेंड्स, आई मेड मिस्टेक. मैंने क्या सोचा, ये ड्रॉवर का बुक है तो यहाँ पर एक्चुअली ट्रांजेक्शन किसके बीच में हो रहा है, ड्रॉवर गया है बैंक के पास, बराबर है, बैंक वाले ने ड्रॉवर को पैसा दिया. हम कहीं पर भी पिक्चर में नहीं है, वी आर ड्रॉवी, तो हमारे बुक में क्या आएगा, नो एंट्री, ठीक है. तो आई मिस दैट फैक्ट. तो यहाँ पर हम सिर्फ क्या लिखने वाले हैं, अभी
no entry. ठीक है, चलो नरेशन लिख देते हैं. बीइंग बिल डिस्काउंटेड, बीइंग बिल डिस्काउंटेड. ठीक है. अच्छा, क्या एग्जाम में हमें ऐसी एंट्री पास करना कंपलसरी है क्या नो एंट्री की? नहीं, इट इज नॉट नेसेसरी. वहां पर आप ब्लैंक रख दोगे तो भी चलेगा. ओके, तो डिस्काउंटिंग हो गया और हमारे बुक में नो एंट्री इन द बुक्स ऑफ ड्रॉ भी. ठीक है. अच्छा, ऑन द ड्यू डेट द बिल इज डिसऑनर्ड एंड नोटिंग चार्जेस ऑफ रुपीज 160 इज पेड बाय द बैंक. बिल क्या हो गया? डिसऑनर हो गया. तो सबसे पहले तो हमको क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा? ड्यू डेट कैलकुलेट करना पड़ेगा. बराबर है. तो यहाँ पर बिल कितने मंथ का था? 2 मंथ का था. 1 अगस्त से आप ड्यू डेट कैलकुलेट करेंगे, क्या आ जाएगा बोलो? सेप्टेम्बर अक्टूबर. ठीक है ना, और प्लस 3 डेज ऑफ ग्रेस. तो क्या आना चाहिए यहाँ पर आंसर में बोलो? 4th October 2019. करेक्ट है. ओके, 4th October 2019 ये हमारा ड्यू डेट आ गया. और ड्यू डेट पे हमें क्या पता चला? हमने बिल डिसऑनर कर दिया. तो हमारे पास हमेशा डिसऑनर की क्या एंट्री होती है? जो बिल एक्सेप्ट किया था उसका रिवर्स करना है ना. तो देखो, हमने बिल एक्सेप्ट यहाँ पर ऐसा किया था, इस एंट्री को हमको क्या करना पड़ेगा? रिवर्स करना पड़ेगा. तो व्हाट वी विल राइट? वी विल राइट बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट 37,000. ठीक है, टू रोमाज अकाउंट 37,000. तो डिसऑनर की एंट्री इन द बुक्स ऑफ ड्रॉ भी क्या होती है? फिक्स्ड होती है. जो एक्सेप्टेंस होता है उसको ही हम लोग को क्या कर देना है? रिवर्स कर देना है. बराबर है. अच्छा, ये तो डिसऑनर की एंट्री पास की, उसके साथ साथ क्या बताया गया था हमें? On the due date, bill is dishonored and noting charges 160 is paid. Noting charges भी pay हुआ है. तो drawee के लिए जो noting charges है, वो noting charges क्या होता है बोलो? Drawee के लिए noting charges expense है ना? तो हम वो noting charges यहाँ पर mention करेंगे. Noting charges account debit. ठीक है, कितना था noting charges? 160, राइट? तो यहाँ पर टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा? 37,160. Being bill cancelled for renewal. या आप इसको dishonor भी लिख सकते हैं. ठीक है, वहां पर क्लियरली बोला गया है ड्यू डेट पे क्या हुआ? डिसऑनर हो गया. तो हम डिसऑनर ही लिख देते हैं. बीइंग बिल डिसऑनर एंड नोटिंग चार्जेस एप्लीकेबल. ठीक है, तो बिल क्या हो गया? डिसऑनर हो गया और हमारे ऊपर नोटिंग चार्जेस लग गया. बिल क्या हो चुका है? अभी डिसऑनर हो चुका है. अब डिसऑनर के बाद क्या हो रहा है? देखो, सीमा पेज 19,000 एंड नोटिंग चार्जेस इन कैश इमीडिएटली. मतलब हमें क्या मिल रहा है? पार्ट पेमेंट मिल रहा है. ठीक है, तो चलो पार्ट पेमेंट पहले ले लेते हैं. इमीडिएटली मतलब सेम डेट आ जाएगा. तो ये जो डेट है 4th October, ये हम यहाँ पर मेंशन कर देंगे. और इसी दिन क्या हो रहा है? पार्ट पेमेंट मिल रहा है. क्या लिखेंगे? सॉरी, हम पे कर रहे हैं. हम पे कर रहे हैं तो हमारे पास से पैसा जा रहा है. किसको जा रहा है? रोमा को जा रहा है. तो रोमा अकाउंट डेबिट. ठीक है, टू
कैश और बैंक अकाउंट, बराबर है। तो हम दो अमाउंट दे रहे हैं, एक तो 19,000 का अमाउंट दे रहे हैं, दूसरा नोटिंग चार्जेस भी पे कर रहे हैं, तो टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा 19,160, ठीक है 19,160 ये अमाउंट हो गया। एंड वी विल राइट बीइंग पार्ट पेमेंट मेड, ठीक है अलोंग विथ नोटिंग चार्जेस बीइंग पार्ट पेमेंट मेड अलोंग विथ नोटिंग चार्जेस। अच्छा पार्ट पेमेंट के बाद क्या बोला, अ न्यू बिल इज ड्रॉन बाय रोमा फॉर द बैलेंस इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। अभी इंटरेस्ट नए बिल में ऐड करने के पहले आपको क्या करना पड़ेगा, चार्ज करना पड़ेगा, ठीक है। तो इंटरेस्ट हमारे लिए मतलब ड्रॉवी के लिए क्या है, एक्सपेंस है, एक्सपेंस है तो इंटरेस्ट अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। यू विल राइट इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, ठीक है। कितने इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं, 650 टू रोमाज अकाउंट 650। तो सेम जो डेट है वो यहां पर आ जाएगा इंटरेस्ट के लिए, ओके। एंड वी विल राइट बीइंग इंटरेस्ट चार्ज बाय ड्रॉवर या बाय रोमा, रोमा ने क्या किया, इंटरेस्ट चार्ज, ठीक है। तो नेक्स्ट एंट्री इज फॉर न्यू बिल ड्रॉन, तो सेम डेट पे यहां पर न्यू बिल के लिए हम न्यू बिल एक्सेप्ट करेंगे, साइन करेंगे और जाएगा किसके पास जा रहा है, रोमा के पास जा रहा है ना। तो यहाँ पर जो एंट्री थी किसकी, एक्सेप्टेंस की, रोमास टू बिल्स पेबल, ये एंट्री क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी, बराबर है। तो हम लोग ये एंट्री यहाँ पर लिख देंगे। अच्छा अमाउंट क्या होगा, तो बैलेंस हमें निकालना पड़ेगा, है कि नहीं, बैलेंस हमें निकालना पड़ेगा। टोटल अमाउंट था 37,000, बराबर है, उसमें से 19,000 हमें क्या हुआ, मिल गया। तो बैलेंस कितना बचा बोलो, 37,000 माइनस 19,000 है ना, 18,000 का अमाउंट, और प्लस इंटरेस्ट लेना है, ठीक है। तो यहां पर आप लिखेंगे 18,650 being new bill accepted, नया बिल क्या किया, accepted, okay right। अच्छा यहाँ पर एक क्वेश्चन है रोहित का, पार्ट पेमेंट के समय कैश बोला हुआ है, हाँ तो यहाँ पर देखो पार्ट पेमेंट के समय सिर्फ कैश बोला हुआ है, हमने क्या लिखा है, कैश और बैंक अकाउंट लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पर कैश इन द सेंस कैसे भी अमाउंट हो सकता है, आप लिख सकते हो सिर्फ कैश लिखना है तो भी करेक्ट है, और कैश और बैंक लिखा ठीक है तो भी एकदम उसको रॉन्ग नहीं बोला जा सकता। फॉर एग्जाम्पल ई वॉलेट वगैरह से भी पेमेंट अगर इनकेस हो गया है ना, तो वैसे भी कैश कंसिडर हो सकता है, ठीक है। तो आप वहां पर क्या लिखें, सिर्फ कैश लिखेंगे तो भी आपका आंसर करेक्ट है, ठीक है। दूसरा एक क्वेश्चन है
मिहिर दलवी का इंटरेस्ट की जो एंट्री है उसका डेट 4 दिसंबर आएगा. ओके चेक करते हैं हम इंटरेस्ट की जो एंट्री है 4 दिसंबर. नहीं नहीं सारी चीजें एक ही बार हुई ना अभी. यस मिहिर अभी तक तो अभी हम कौन से डेट पे हैं, जिस दिन बिल डिसऑनर हुआ उसी दिन 4 एंट्री हो गए है ना रिन्यूअल की, बराबर है. तो जब भी बिल रिन्यूअल के लिए कैंसलेशन हो रहा है तो सारी एंट्री सेम डेट पे होंगी. इसके लिए ये 4 एंट्री कैंसलेशन का, पार्ट पेमेंट का, इंटरेस्ट चार्ज का और न्यू बिल ड्रॉन का, ये चारों एंट्री हमने सेम डेट पे पास. ठीक है तो यहां पर क्या बोला गया है, विच इज एक्सेप्टेड बाय सीमा. ठीक है सीमा मतलब हमने हमने एक्सेप्ट कर लिया, रोमा को दे दिया और अमाउंट है 18,650 का अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट. द न्यू बिल इज रिटायर्ड 1 month बिफोर द ड्यू डेट. अभी देखो बिल कितने मंथ का था, 2 month का था और 1 महीने पहले क्या हो गया, रिटायर हो गया. तो सबसे पहले हमें क्या ढूंढना पड़ेगा, यहाँ पर हमें सर्च करना पड़ेगा डेट ऑफ रिटायरमेंट. ठीक है ना तो डेट ऑफ रिटायरमेंट, सबसे पहले डेट ऑफ रिटायरमेंट को आप क्या लोगे, पहले ड्यू डेट कैलकुलेट करोगे. तो 2 महीने यहाँ से अक्टूबर के बाद नवंबर दिसंबर और प्लस 3 days ऑफ ग्रेस है ना. तो जो डेट आएगा वो क्या आएगा, 7 दिसंबर 2019. ये क्या आया, ड्यू डेट आया, बराबर है. लेकिन क्या ये ट्रांजेक्शन ड्यू डेट के दिन हो रहा है, नहीं, उससे 1 महीने पहले, मतलब तभी लेंगे हम इन द मंथ ऑफ नवंबर. ठीक है तो ऐसे आपको कैलकुलेट करना है, पहले आप ड्यू डेट कैलकुलेट कर लीजिए, फिर बताया गया उससे 1 महीने पहले है ना, 1 month बिफोर द ड्यू डेट. तो यहाँ पर इस दिन बिल क्या हो रहा है, रिटायर हो रहा है. रिटायर हो रहा है मतलब हम क्या दे रहे हैं, हम कैश दे रहे हैं, हमें क्या मिल रहा है, बिल मिल रहा है. तो हमारे बुक में एंट्री आ जाएगी बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट. क्या अमाउंट था बिल का, 18,650 था. ठीक है और हम क्या पे कर रहे हैं, हम पे कर रहे हैं कैश. तो टू कैश अकाउंट कैश और बैंक लिख देते हैं क्योंकि वहां पर कुछ मेंशन नहीं है. कैश और बैंक अकाउंट बराबर है और लास्ट में क्या आ जाएगा, रीबेट. रीबेट अकाउंट तो रीबेट कितने का मिल गया हमको यहां पर, 300 का. तो आप क्या करेंगे इस वैल्यू के लिए, 18,650 माइनस 300 तो कितना आता है, 18,350 है ना. बीइंग बिल रिटायर्ड 4 due date या रिटायर्ड एंड रिबेट रिसीव. The half side of the question is done. Now remaining half. उसके लिए क्या करना पड़ेगा, देखो क्या बोला था बाकी का, एंड प्रिपेयर सीमास अकाउंट इन द बुक्स ऑफ रोमा. अकाउंट प्रिपेयर करना है तो जब अकाउंट प्रिपेयर करना है तो हमें पता है कि बुक क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए. बट यहाँ पर इन द बुक्स ऑफ रोमा नहीं था, इन द बुक्स ऑफ सीमा प्रिपेयर किया हमने है ना. तो हमको रफ में क्या करना पड़ेगा, पहले जर्नल एंट्री पास करनी पड़ेगी इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर. ठीक है तो यहाँ पर इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर है, मैं रफ में जर्नल एंट्रीज पास कर लेता हूँ. ठीक है और ये जर्नल एंट्रीज मुझे डेट के साथ पास करनी पड़ेगी. तो पहला जो डेट है वो क्या आ जाएगा, ये 1 अगस्त वाला ही डेट आ जाएगा पहले. तो फटाफट देख लेते हैं, हम अभी ड्रॉवर हैं और ड्रॉवर के बुक में क्या हुआ, पहले सेल की एंट्री हुई. तो सेल किसको सेल किया हमने, सीमा को सेल किया है, सीमाज अकाउंट डेबिट. ठीक है तो इसको जितना शॉर्ट हो सके उतना शॉर्ट हम मेंशन करेंगे, 37,000
टू सेल्स अकाउंट, ठीक है ना, 37। तो पहला एंट्री जो है वो सेल का हो गया। नरेशन वगैरह हमको पास नहीं करना है क्योंकि हम लोग रफ में प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो ऑन द सेम डेट नेक्स्ट एंट्री, बाद में क्या हुआ, हमने बिल ड्रॉ किया, सीमा ने एक्सेप्ट किया, हमारे पास बिल आ रहा है, क्या लिखेंगे, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, ठीक है, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट अमाउंट 37,000 टू सीमाज अकाउंट अमाउंट 37,000, ठीक है। अभी नेक्स्ट, ऑन 3rd August 2019, इस दिन पे क्या हुआ, इस दिन पे हमने डिस्काउंट करा लिया, तो कैश और बैंक अकाउंट डेबिट कितना पैसा मिला हमें, 36,200, ठीक है, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 800 और टू बिल्स रिसीवेबल, हमारे पास से बिल गया, कितने का बिल गया, 37,000। तो ये डिस्काउंट की एंट्री आ गई, बराबर है। फिर ऑन ड्यू डेट बिल क्या हो गया, डिशॉनर हो गया, क्या हो गया, डिशॉनर, है ना। तो डिशॉनर के लिए हमारे बुक में एंट्री क्या होती है, ड्रॉबी टू होल्डर, ड्रॉबी टू होल्डर। तो ड्रॉबी कौन है, सीमा, तो हम लिखेंगे सीमास अकाउंट डेबिट, ठीक है ना, कितना 37,000। और होल्डर कौन है, बैंक, टू बैंक अकाउंट। अच्छा, अब हमें पता है कि साथ में नोटिंग चार्जेस भी पे हुआ था जो हमको बैंक वाले को देना पड़ेगा, तो टोटल 37,160 ये हमें सीमा से वसूलना है और बैंक वाले को पे करना है, 37,160, ठीक है। आगे तो बिल डिशॉनर हो चुका है और बाद में हमें मिल रहा है पार्ट पेमेंट, है ना, और कितना मिल रहा है, 19,000। तो 19,000 के साथ में नोटिंग चार्जेस का भी अमाउंट हमें सीमा पे करेगी, तो सीमा से पैसा आ रहा है, व्हाट वी विल राइट ऑन द सेम डेट, वी विल राइट, जैसा कि किसी स्टूडेंट ने बोला था पर सिर्फ कैश आना चाहिए, तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कैश अकाउंट डेबिट, ठीक है, सिर्फ कैश मेंशन कर रहे हैं। तो कितना कैश आया, 19,000 और नोटिंग चार्जेस भी साथ में आया 160 टू सीमाज अकाउंट, है ना, 19,160। तो ये जो डेट है ये सेम डेट आ जाएगा। अच्छा, और क्या करेंगे, ये तो किसकी एंट्री पास हुई अभी, पार्ट पेमेंट, अब किसकी एंट्री होगी, इंटरेस्ट चार्ज, किससे इंटरेस्ट लेना है हमको, सीमा से इंटरेस्ट लेना है, सीमाज अकाउंट डेबिट, है ना, कितना इंटरेस्ट लेना है, इंटरेस्ट का वैल्यू है 650 रुपीज, ओके, टू इंटरेस्ट अकाउंट। अच्छा, ये जो इंटरेस्ट है क्रेडिट क्यों किया, क्योंकि हमारे लिए क्या है, ये इनकम, तो बीइंग इंटरेस्ट चार्ज, ठीक है ना। और फिर से सेम डेट, सेम डेट को क्या हुआ, बिल अगेन क्या होगा, एक्सेप्ट होगा, एक्सेप्टेंस की एंट्री देखो यहाँ पर हमने पास करके रखी है, सेम एंट्री आ जाएगी यहाँ पर, है ना। और अमाउंट, अमाउंट कितना होगा, न्यू बिल का जो अमाउंट था वो था 18,650, 18,650 बीइंग न्यू बिल एक्सेप्टेड फॉर द पीरियड ऑफ 2 मंथ, ठीक है। अब क्या हुआ, लास्ट में बिल रिटायर हो गया, बिल क्या हो गया, रिटायर हो गया, उसका डेट क्या था, उसका डेट था 7 नवंबर का,
तो वो डेट हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं और लिखेंगे रिटायरमेंट में हमें पैसा मिल रहा है, ठीक है ना, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है। और हमने क्या दिया, रिबेट, रिबेट हमारे लिए क्या है, एक्सपेंस है, तो रिबेट अकाउंट डेबिट टू, टू क्या होगा, बिल्स रिसीवेबल, अच्छा बिल का पैसा कितना था 18,650, रिबेट कितना था 300 और यहाँ पर 18,000, ठीक है। तो ये हमने रफ में एंट्रीज पास कर दी। सेकेंड पार्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं जहां पर हमें अकाउंट ड्रॉ करना है। तो हमें चेक करना है किसके बुक में किसका अकाउंट है, ठीक है। तो आप देखो क्या लिखा हुआ है, प्रिपेयर सीमास अकाउंट इन द बुक्स ऑफ रोमा, तो बुक किसका है, रोमा का है, बराबर है, बुक रोमा का है और सीमा का अकाउंट है, तो देखो यहाँ पर प्रिपेयर कर दिया सीमा का अकाउंट इन द बुक्स ऑफ रोमा, बराबर है। कुछ इस तरीके से आप अकाउंट प्रिपेयर कर लेंगे। ओके, अब हमें करना क्या है, चेक करना है कहां कहां पर सीमा ये नाम आया है ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हम लोग चेक करते हैं कि क्या ये पूरे ट्रांजेक्शन में परचेस सेल दिया हुआ है। तो यस, सबसे पहला जो यहाँ पर ट्रांजेक्शन था वो परचेस सेल का ही था, ठीक है। तो हमें कोई बैलेंस वगैरह लेने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली हम स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर देखो सीमा का नाम क्या हुआ है, डेबिट हुआ है, तो हम लोग डेबिट में लिखेंगे यहाँ पर और डेट आ जाएगा 1st August 2019, ठीक है, 1st August 2019 ये डेट है। और क्या लिखना पड़ेगा यहां पर, टू सेल्स, टू सेल्स अकाउंट अमाउंट 37,000, ठीक है। डन विद दिस, ये हो गया। जो हो जा रहा है पर्टिकुलर चीज मैं उसको रेड मार्क कर देता हूं ऐसे, ओके। नेक्स्ट, इसमें सीमा है क्या, यस सीमा क्या हुई है, क्रेडिट हुई है, तो सेम डेट यहां पर मेंशन हो जाएगा, हम लिखेंगे बाय बिल्स रिसीवेबल, बाय बिल्स रिसीवेबल अमाउंट 37,000, ठीक है। तो दिस इज ऑल्सो डन, नेक्स्ट क्या इसमें कहीं पर सीमा दिख रही है, नहीं सीमा नहीं है तो कोई एंट्री नहीं। नेक्स्ट, इसमें सीमा क्या हुआ, डेबिट हुई है, ठीक है। तो यहां पर सीमा क्या हो गई, डेबिट हो गई है 4th October 2019 को, ठीक है। तो हम यहां पर मेंशन करेंगे 4th October 2019 टू बैंक अकाउंट, ठीक है। अमाउंट कितना है 37,160, डन विद दिस।
नेक्स्ट इसमें भी देखो जो नेक्स्ट एंट्री है सीमा क्या हुई है, क्रेडिट हुई है, तो डेट सेम ले लेंगे हम, लिखना क्या है बाय कैश, बाय कैश अकाउंट, और अमाउंट है 19,160, ठीक है, डन विद दिस। नेक्स्ट आप चेक करो सीमा यहां पर क्या हुई है, डेबिट हुई है, तो डेबिट में लिखेंगे टू इंटरेस्ट, इंटरेस्ट अकाउंट, और इंटरेस्ट का अमाउंट था 650, ठीक है, डेट सेम आ जाएगी, डन विद दिस। नेक्स्ट नेक्स्ट में सीमा क्रेडिट हुई है, ठीक है, सेम डेट है, तो हम क्रेडिट साइड जाएंगे एंड वी विल राइट देयर बाय बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, ठीक है। नया बिल क्या हो रहा है, एक्सेप्ट हो रहा है, और न्यू बिल का वैल्यू कितना था 18,650, डन विद दिस। फिर लास्ट लास्ट एंट्री 7 नवंबर की है, क्या इसमें कहीं पर सीमा दिखाई दे रही है, नहीं सीमा नहीं है, तो ये एंट्री नहीं आएगी, ओके। तो टोटल कर लेते हैं, इसका टोटल कितना है 74,110, So we have finished with question number 8. Let us move toward question number 9. Zoom out करके मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ how it looks. तो कुछ इस तरीके का ओवरऑल सम हमारे पास बना हुआ है, ठीक है। एग्जाम में आप क्या करेंगे, एग्जाम में जिस पे आपको मार्क्स मिलने वाला है वो पूछा गया क्वेश्चन था कि ड्रॉवी के बुक में आपको जर्नल एंट्री पास करनी है और रोमा के बुक में आपको सीमा का अकाउंट बनाना है, इस पे ही आपको मार्क्स मिलने वाले। जो एक्सट्रीम लेफ्ट साइड का पार्ट है जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर, वो क्या है हमारे लिए रफ वर्क है, ठीक है। तो ऐसे ही रफ वर्क आपको एग्जाम में मेंटेन करना है, उसमें अगर हम लोग फॉर्मेट ड्रॉ नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा, रफ वर्क रफ के जैसे ही करना है, हमें ज्यादा से ज्यादा टाइम सेव करना है। मूविंग टूवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, उदय परचेज गुड्स फ्रॉम शंकर ऑन क्रेडिट फॉर 35,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है। उदय पेड रुपीज 1,500 इमीडिएटली एंड फॉर द बैलेंस एक्सेप्टेड अ बिल फॉर 3 मंथ्स। तो यहाँ पर क्रेडिट परचेस का और पार्ट पहले ही पार्ट पेमेंट का हमको एंट्री आ गया है, तो उसकी एंट्री क्या है वो हम लोग देखेंगे। Before due date, Uday approached Shankar with a request to renew the bill. जब भी renewal का होगा तो कितनी entry आएगी? 4 entry. Cancellation, part payment, interest charge और new bill drawn. ठीक है? तो यहाँ पर 4 entry आप pass करेंगे. Shankar agreed, but with condition that Uday should accept a new bill for 3 months, including interest at the rate 12% per annum. तो यहाँ पर part payment नहीं है, ठीक है? तो हमें 3 entry ही pass करनी है. Part payment की entry नहीं आएगी, ओके।
पूछा क्या गया है, गिव जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ शंकर, शंकर के बुक में हमें जर्नल एंट्री पास करनी है। तो शंकर ड्रॉवर है कि ड्रॉवी है, शंकर ड्रॉवर है, ठीक है। तो ड्रॉवर के बुक में हम लोग एंट्री पास करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखो कहीं पर भी डेट मेंशन नहीं किया है, तो व्हाट आई विल राइट सीरियल नंबर। तो सीरियल नंबर वन यहाँ पर क्या आ जाएगा, पहला सेल का एंट्री आएगा, किसका एंट्री आएगा, सेल का। तो उदय परचेज गुड्स फ्रॉम शंकर ऑन क्रेडिट फॉर 35,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। तो हम लोग यहाँ पर एंट्री कैसे करने वाले, हम लिखेंगे उदय अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू सेल्स अकाउंट। तो अमाउंट कितना आ जाएगा उसमें, 31,500, 31,500, ठीक है। क्या लिखेंगे, बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट एंड 10% ट्रेड डिस्काउंट अलाउड, बराबर है। तो क्रेडिट पे सेल किया हमने और 10% क्या दिया उसको, ट्रेड डिस्काउंट भी दिया। जो ट्रेड डिस्काउंट का वैल्यू होता है, ठीक है, वो हमको मेंशन करना नहीं होता है। इसके लिए आप क्या करेंगे, 35,000 माइनस 3,500, बराबर है, कितना आ गया, 31,500, ये हमारा आंसर है, ओके। अच्छा, इसके बाद क्या हुआ, उदय पेड 1,500 इमीडिएटली, उदय ने हमें पैसा दे दिया 1,500। तो मैं यहां पर लिख देता हूं कैश और बैंक अकाउंट, डेबिट कितना दे दिया, 1,500 दे दिया, बराबर है। अच्छा, बाकी के लिए क्या बोला, बैलेंस एक्सेप्टेड अ बिल फॉर 3 मंथ्स। तो बैलेंस के लिए वो क्या कर रहे हैं, बिल एक्सेप्ट कर रहा, तो हमारे पास बिल आएगा, मैं कंबाइन एंट्री पास कर देता हूं यहां पर, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, ठीक है ना। तो बैलेंस अमाउंट कितना था, 30,000, टू उदय अकाउंट 31,500। तो ये मैंने कंबाइंड एंट्री पास कर दी, बीइंग कैश रिसीव एंड बिल एक्सेप्टेड, बाय उदय, ठीक है ना। कैश मिला और उदय ने क्या किया, बिल एक्सेप्ट किया, दिस इज एंट्री नंबर टू। व्हाट हैपेंड आफ्टर दैट, बिफोर ड्यू डेट उदय अप्रोच्ड शंकर विथ अ रिक्वेस्ट टू रिन्यू द बिल। बिल क्या हो रहा है, रिन्यू हो रहा है, तो रिन्यू हो रहा है तो जो ओल्ड बिल है वो क्या होगा, कैंसिल होगा। कैंसलेशन की एंट्री हमारे बुक में क्या होगी, ड्रॉवी टू होल्डर, ठीक है ना, ड्रॉवी टू होल्डर। और ड्रॉवी कौन है, खुद उदय है। तो उदय अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू होल्डर हम खुद हैं, तो क्या आएगा यहां पर, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। अच्छा, क्या कोई नोटिंग चार्जेस वगैरह भी था, नहीं, नोटिंग चार्जेस कुछ नहीं था। तो बिल का अमाउंट आ जाएगा डायरेक्टली 30,000
30,000, ठीक है ना। क्या लिखेंगे, बीइंग बिल कैंसल्ड फॉर रिन्यूएबल, बीइंग बिल कैंसल्ड फॉर रिन्यूएबल। सो लेट अस कैलकुलेट इंटरेस्ट। इंटरेस्ट के लिए आप क्या करेंगे, 30,000 का बिल था राइट है, मल्टीप्लाई करना है आपको 12% से, तो 12/100 आ जाएगा। और उसके बाद आपको क्या करना है, इनटू 3/12। अच्छा 3 क्यों लिया, क्योंकि वहां पर ये नया जो बिल है वो 3 महीने के लिए, कितने महीने के लिए, 3 महीने के लिए, तो आंसर हमें मिल जाएगा 900, ठीक है। तो इसी को अभी ये जो अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट है ये हमारे लिए क्या है, इनकम है या एक्सपेंस है बोलो, हमारे लिए ये इनकम है। तो नंबर 4 आप यहाँ पर लिखेंगे, ये किससे लेना है, उदय से लेना है, उदय अकाउंट डेबिट 900, ठीक है। 2 इंटरेस्ट अकाउंट 900 बीइंग इंटरेस्ट चार्ज्ड, बीइंग इंटरेस्ट चार्ज्ड। अच्छा उसके बाद कुछ इंफॉर्मेशन नहीं दिया गया है ना। उदय शुड एक्सेप्ट अ न्यू बिल फॉर 3 मंथ्स इंक्लूडिंग इंटरेस्ट एट द रेट 12% पर एनम। अच्छा इसके बाद कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया गया, तो कोई ऐसा ना सोचे कि अरे कुछ नहीं दिया है तो फिर ऑनर हो गया होगा, इसके लिए कुछ बोला नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। वो जहां पर स्टॉप हो गया आप भी वहां पर क्या हो जाओ, स्टॉप हो जाओ, ठीक है ना। हमको कोई अदर इन्फॉर्मेशन नहीं है, आगे का इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो हम भी आगे बढ़ेंगे नहीं। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर क्या हो गया, फिनिश हो गया। गॉट इट। तो इसको आप लोग लिख लें या स्क्रीनशॉट ले लें। तो सॉरी, नया बिल ड्रॉ हुआ उसका एंट्री तो हमने पास नहीं किया, उसकी एंट्री हम लोग पास कर लेते हैं। तो नया बिल का जो एंट्री है वो क्या होगा, जो पहले देखो एंट्री पास हुआ था है ना, बिल्स रिसीवेबल टू उदय, ये एंट्री क्या होगा, रिपीट हो जाएगा, ठीक है। बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू उदय अकाउंट नंबर 5। बट जो अमाउंट है, अमाउंट कितना रहेगा, 30,900, 30,900, ठीक है। बीइंग न्यू बिल एक्सेप्टेड बाय उदय फॉर 3 मंथ, तो नया बिल उदय ने एक्सेप्ट किया 3 महीने के लिए किया, ये भी एक एंट्री आएगी। हाँ, इसके बाद ऑनर हुआ है, डिसऑनर हुआ, ऐसा कुछ दिया हुआ नहीं है, तो यहाँ पर ही हमारा आंसर स्टॉप हो जाएगा। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 9 ये हमने फिनिश किया, ठीक है। नाउ मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, सागर ड्रॉन एन आफ्टर साइड बिल। आफ्टर साइड बिल होता है तो हम कैलकुलेशन कहां से स्टार्ट करते हैं, डेट ऑफ एक्सेप्टेंस से, ठीक है। तो वो ध्यान रखना है आपको। तो आफ्टर साइड बिल ड्रॉ हुआ है 21 नवंबर 2019 को फॉर 21,000 रुपीज एट 3 मंथ्स ऑन प्रसाद। प्रसाद पे ड्रॉ हुआ है, मतलब प्रसाद कौन हो गया, ड्रॉवी। सागर कौन हो गया, ड्रॉवर, ठीक है। द बिल इज डिस्काउंटेड बाय सागर एट 8% पर एनम विथ हिज बैंक। उसने क्या किया, डिस्काउंट करा है। अच्छा रिक्वायरमेंट पहले देख लेते, क्या लिखा है, पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ सागर। सागर के बुक में हमको जर्नल एंट्री पास करनी है, तो आगे बढ़ने के पहले जितना पढ़ा है उसको हम लोग पहले जर्नल एंट्री पास कर लेते हैं, ठीक है, ताकि थोड़ा इजी हो जाएगा। तो इन द बुक्स ऑफ सागर, देखो ये फॉर्मेट बन गया, सोल्यूशन नंबर 10
और डेट क्या दिया था 21 नवंबर 2019, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ 21 नवंबर 2019। पहला क्या हुआ, बिल ड्रॉ हुआ, तो बिल ड्रॉ क्या एक्सेप्ट होगा, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, ठीक है ना, बिल ड्रॉ हो गया, एक्सेप्ट हो गया, कितने का 21,000 रुपीज, ठीक है, टू प्रसाद, प्रसाद अकाउंट 21,000 बीइंग बिल एक्सेप्टेड बाय प्रसाद, द बिल इज डिस्काउंटेड बाय सागर एट 8% पर एनम विथ हिज बैंक। अभी बिल क्या हुआ, डिस्काउंट हो गया, और डिस्काउंटिंग एंट्री हमें पता है। अच्छा, क्या उसका कुछ डेट दिया, नहीं दिया, मतलब ऑन द सेम डेट है, ठीक है, तो सेम डेट हम ले लेंगे यहां से, और डिस्काउंट की एंट्री क्या है, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट। चलो तब तक आप लोग मुझे डिस्काउंट का वैल्यू निकाल करके बताओ, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू क्या जा रहा है हमारे पास से, बिल जा रहा है टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, ठीक है। तो आप कैसे आंसर कैलकुलेट कर रहे हैं, यहाँ पर आप वैल्यू ले लेंगे 21,000 का, ठीक है, मल्टीप्लाई कर देंगे 8% से, 8/100, ठीक है, फिर 3 मंथ का बिल था, इसके लिए आप क्या करेंगे, इनटू 3/12, और आंसर आ जाएगा 420। तो 420 का आंसर करेक्ट है, तो डिस्काउंट का अमाउंट आप ले लेंगे 420, और बिल का वैल्यू था 21,000, ठीक है, तो हमारे हाथ में कैश कितना मिला, 21,000 - 420, 20,580, ओके, बीइंग बिल डिस्काउंटेड With bank, या सिर्फ discounted लिखा तो भी चलेगा, being bill discounted with bank। आगे क्या हो गया देखो, on maturity Prasad find himself unable to make payment of the bill and request Sagar to renew it। Renewal है तो again कितनी entry आ जाएगी, 4 entries, ठीक है, तो पहले हमें cancel करना पड़ेगा, तो cancellation की entry, अभी एक कौन सी, कब की बात करें, मैच्योरिटी की बात करें, है ना, तो आप ड्यू डेट निकालो, 3 मंथ्स कैलकुलेट करना है, तो 3 मंथ ले लो, नवंबर के बाद, दिसंबर, जनवरी और फरवरी, बराबर है, और फरवरी में जाने के बाद हमें 3 डेज ऑफ ग्रेस भी ऐड करना पड़ेगा, तो 21 का क्या हो जाएगा, 24 फरवरी 2020, नेक्स्ट ईयर आ जाएगा, तो ड्यू डेट पे हम क्या करेंगे, पहले डिशनर की कैंसिलेशन की एंट्री पास करेंगे, जो हमारे लिए क्या होता है, ड्रॉवी टू होल्डर, ठीक है ना। अच्छा, पहले चेक कर लो, क्या कोई नोटिंग चार्जेस वगैरह पे हुआ था क्या, सागर एक्सेप्ट द रिक्वेस्ट एंड ड्रॉ अ न्यू बिल एट 1 month फॉर 21,750 इंक्लूडिंग इंटरेस्ट विच वॉज ड्यूली एक्सेप्टेड बाय प्रसाद, है ना, तो कहीं पर भी नोटिंग चार्जेस का जिक्र नहीं है, तो सीधा ड्रॉवी टू होल्डर हम लोग यहाँ पर वर्कआउट करने वाले हैं, तो हमारे बुक में आ जाएगा प्रसाद
अकाउंट डेबिट होल्डर, होल्डर कौन था, बैंक है, तो टू बैंक अकाउंट, ठीक है ना। तो प्रसाद से 21,000 लेना है और बैंक को 21,000 देना है, बराबर है। बीइंग डिस्काउंटेड बिल कैंसल्ड फॉर रिन्यूअल, बीइंग डिस्काउंटेड बिल कैंसल फॉर रिन्यूअल, सागर एक्सेप्ट द रिक्वेस्ट एंड ड्रॉज अ बिल एट वन मंथ फॉर 21,750 इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। तो देखो हमको क्लियरली पता चलता है बिल था कितने का, 21,000 का, तो ये जो एक्स्ट्रा 750 है वो क्या है, इंटरेस्ट है। तो पहले आप इंटरेस्ट चार्ज की एंट्री पास करेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो पहले आपको इंटरेस्ट की एंट्री पास कर लेनी है, इंटरेस्ट हमारे लिए क्या है, इनकम है, ठीक है ना। तो सेम डेट आ जाएगा, किससे लेना है, प्रसाद से लेना है। तो प्रसाद अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, ठीक है। कितना लेना है, 750 बीइंग इंटरेस्ट चार्ज, ठीक है। इंटरेस्ट चार्ज कर लिया हमने एंड ऑन द सेम डेट, सेम डेट पे क्या होगा, नया बिल एक्सेप्ट होगा। देखो लिखा हुआ है कितने का, 21,750 का। तो नए बिल के लिए जो पुराना एक्सेप्टेंस था उसी को हमको कॉपी कर लेना है, ठीक है। और यहां पर आ जाएगा 21,750। तो ये न्यू बिल एक्सेप्ट हो गया है, लिख देंगे हम बीइंग न्यू बिल एक्सेप्टेड बाय प्रसाद और वन मंथ, ठीक है ना। एक महीने का एक्सेप्टेंस यहां पर हुआ है। फिर क्या हुआ, वॉज ड्यूली एक्सेप्टेड बाय प्रसाद, सागर डिपॉजिट द बिल इन टू बैंक फॉर कलेक्शन। अब हमने उसे किसे दे दिया, बैंक को दे दिया, कलेक्शन के लिए दे दिया, ठीक है। तो बैंक के पास जा रहे हैं, हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट, या आप लिख सकते हैं बिल्स फॉर कलेक्शन, ठीक है, आपके ऊपर डिपेंड करता है, बैंक फॉर कलेक्शन लिखो या बिल्स फॉर कलेक्शन लिखो। तो ये बिल जा रहा है 21,750 और हम मेंशन करेंगे टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, ठीक है, 21,750। कोई डेट मेंशन नहीं है वहां पर, तो हम सेम डेट डाल देंगे, ठीक है। उसी दिन हमने सेंड कर दिया, तो आप नरेशन में लिखेंगे बीइंग न्यू बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन, न्यू बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन, ठीक है। फिर क्या हुआ, प्रसाद ऑनर्स द बिल ऑन द ड्यू डेट एंड बैंक चार्जेस 250 एज बैंक चार्जेस। प्रसाद ने क्या किया, ड्यू डेट पे ऑनर कर दिया, ठीक है। तो मुझे बताओ ड्यू डेट क्या है, ड्यू डेट क्या आ जाएगा,
24 प्लस 3 डेज, ठीक है ना, तो कितना हो गया 27, 27 और फरवरी का क्या हो जाएगा मार्च, ठीक है 2020 अच्छा अब यहां पर क्या हो रहा है, बैंक जा रहा है प्रसाद से पैसे कलेक्ट करने, तो प्रसाद ने क्या कर दिया बिल ऑनर कर दिया, ऑनर कर दिया मतलब पैसे बैंक को दे दिए, अब बैंक वाला वो पैसे क्या करेगा हमारे अकाउंट में डालेगा, तो हम क्या लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, हमारे अकाउंट में पैसे आ रहे हैं, ठीक है। अच्छा क्या ये काम बैंक फ्री में कर रहा है, नहीं वो बैंक चार्जेस डिडक्ट करेगा, तो हम बैंक चार्जेस यहां पर लिख देंगे बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट, तो बैंक चार्जेस कितना है 250 रुपीज है हमने देखा, ठीक है, और किसे पे करना है बैंक वाले को, तो हम लिखेंगे बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट, ठीक है ना, बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट, तो 21,750 ये हमें लेना था, उसमें से 250 तो उसने बैंक चार्जेस डिडक्ट कर लिया, तो हमारे हाथ में कितना आया 21,500। Being bill sent to bank for collection honor, क्या हो गया ऑनर हो गया, ठीक है। अच्छा उसके साथ में और क्या आप मेंशन कर सकते हो, एंड बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक, बैंक ने बैंक चार्जेस डेबिट किया, ठीक है। तो आप ऐसे फुल नरेशन भी लिख सकते हैं, ये जाके एक पार्ट क्वेश्चन का क्या हुआ फिनिश हुआ, ओके। अच्छा दूसरा पार्ट में क्या पूछा गया देखो, प्रिपेयर सागर्स अकाउंट इन द बुक्स ऑफ प्रसाद, सागर्स अकाउंट इन द बुक्स ऑफ प्रसाद, तो जैसा ये बोल रहे हैं दोनों बुक सेम है क्या चेक करो, ये किसका बुक था सागर का, और यहाँ पर किसके बुक की बात करें प्रसाद के बुक की बात करें, है ना, मतलब दोनों मैच कर रहा नहीं है, तो हमको क्या करना पड़ेगा रफ में जर्नल एंट्री पहले बनानी पड़ेगी, ठीक है। तो हम तुरंत यहाँ पर जर्नल एंट्री लिख लेते हैं इन द बुक्स ऑफ प्रसाद, तो सबसे पहले तो ये डेट सेम है, पहला क्या हो गया बिल ड्रॉ हुआ हमने एक्सेप्ट किया, हम अभी कौन है ड्रॉवी है प्रसाद है, एक्सेप्ट किया तो बिल जा रहा है किसके पास जा रहा है सागर के पास जा रहा है ना, तो मैं शॉर्ट में लिख दूंगा यहाँ पर सागर अकाउंट डेबिट अमाउंट 21,000 टू बिल्स पेबल अकाउंट, ठीक है 21,000, ये एंट्री नंबर वन हो गई। दूसरा बिल क्या हुआ था डिस्काउंट हुआ था, तो हम पिक्चर में थे ही नहीं, हमारे बुक में नो एंट्री, बराबर है। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो एंट्री थी उसमें क्या हुआ था डिसऑनर हो गया था, ठीक है ना, तो डिसऑनर की एंट्री हमारे बुक में हमेशा क्या होती है एक्सेप्टेंस का उल्टा, ये जो एक्सेप्ट किया था उसका उल्टा हो जाएगा, क्या हो जाएगा बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू सागर अकाउंट, ठीक है ना 21,000, तो जो एक्सेप्टेंस की एंट्री थी उससे क्या हो जाएगा उल्टा हो जाएगा, और जो डेट है वो है 24 फेब
2020. नेक्स्ट क्या हुआ? इंटरेस्ट चार्ज हुआ है. इंटरेस्ट हमारे लिए क्या है? एक्सपेंस है. ठीक है, तो सेम डेट पे हम यहां पर लिखेंगे इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट. इंटरेस्ट कितना था? 750. टू किसे देना है? सागर को देना है. तो सागर अकाउंट. ठीक है, 750. अच्छा, सेम डेट पे और क्या हुआ? चेक करो, नया बिल ड्रॉ हुआ, हमने एक्सेप्ट किया. तो जो एक्सेप्टेंस की एंट्री थी वो क्या हो जाएगी? रिपीट हो जाएगी, है ना. ये देखो, ये जो पहले की एक्सेप्टेंस की एंट्री थी वो हम यहाँ पर रिपीट कर देंगे, लेकिन इस बार अमाउंट बदल जाएगा और वो कितना होगा? 21,750. राइट है. चलो, नया बिल भी एक्सेप्ट हो गया. नेक्स्ट क्या हो गया? बिल ऑनर हो गया, है ना, क्योंकि ड्रावर ने बिल सेंड किया बैंक के पास कलेक्शन के लिए. तो हमारे बुक में तो नो एंट्री आएगी. और लास्ट जो एंट्री है वो किसकी है? ऑनर की है, है ना. तो हम क्या कर देंगे? अमाउंट पे कर देंगे. कब पे कर देंगे? ड्यू डेट को. और ड्यू डेट कभी है? 27 मार्च 2020. ठीक है ना. तो बिल आ रहा है, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, और क्या जा रहा है? टू कैश और बैंक अकाउंट. पूरे पैसे दे दिए, 21,750. ठीक है, तो ये हमने रफ में जर्नल एंट्रीज बना दी है ताकि हमारा काम आसान हो जाए. अब देखो ये क्या बोल रहे हैं, प्रिपेयर सागर्स अकाउंट इन द बुक्स ऑफ प्रसाद. तो यहाँ पर हम फॉर्मेट ड्रॉ कर लेंगे. ठीक है, देखो फॉर्मेट हमारे सामने है, सागर्स अकाउंट इन द बुक्स ऑफ प्रसाद. ठीक है, तो एक एक करके मैच करते हैं, स्टार्ट करते हैं. सबसे पहला क्वेश्चन, क्या इसके अंदर परचेस और सेल की एंट्री दी गई थी? तो इसमें परचेस सेल की एंट्री नहीं है. तो परचेस सेल की एंट्री नहीं होती है तो आप क्या करते हो? आप बैलेंस लेते हो. ठीक है, तो हमको यहाँ पर डिसाइड करना पड़ेगा पहले कि ये जो सागर है वो सागर हमारा कौन है. ठीक है, सागर हमारा कौन है? डेटर है कि क्रेडिटर है? तो सागर ने बिल ड्रॉ किया था तो वो कौन है? क्रेडिटर. कौन है वो? क्रेडिटर. ठीक है, क्रेडिटर है तो हम लोग बैलेंस कहां से लेंगे? क्रेडिट साइड से लेंगे. तो क्रेडिट साइड में हमें लिखना पड़ेगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन. ठीक है, अच्छा अमाउंट क्या होता है? अमाउंट सेम जो बिल का अमाउंट होता है इनिशियल वही होगा, 21,000 का. और डेट भी हम वही पुट करेंगे, 21 नवंबर 2019. ठीक है, तो ये बैलेंस हमने ले लिया यहां पर. अभी बैलेंस लेने के बाद आप मैच करो. देखो सागर जहां जहां पर आएगा वहां की एंट्री हमें लिखनी है. यहां पर सागर, पहली एंट्री में सागर क्या हुआ? देखो डेबिट हुआ है. ठीक है, तो ये एंट्री अभी हम करने जा रहे हैं डेबिट में, टू बिल्स पेबल और अमाउंट है 21,000. राइट, डेट सेम आ जाएगी. तो मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूं यहां पर. चलो एक एंट्री हो गई. क्या इसमें सागर आया है? हाँ, सागर क्या हुआ? क्रेडिट हुआ. तो क्रेडिट में लिखेंगे बाय बिल्स पेबल. ठीक है ना,
अमाउंट क्या है सेम 21,000. बिल क्या हो गया कैंसल हो गया. कभी हो गया 24 फरवरी 2020 को. ओके तो डन विद दिस. इसके बाद सागर क्या हुआ फिर से क्रेडिट हुआ. क्या लिखेंगे बाय इंटरेस्ट. इंटरेस्ट अकाउंट कितना 750. डेट सेम. डन विद दिस. नेक्स्ट सागर देखो क्या हुआ डेबिट हुआ है. सो वी विल राइट टू बिल्स पेबल अकाउंट है ना. तो यहां पर बिल्स पेबल आ जाएगा और अमाउंट है 21,750. डेट इज 24 फरवरी 2020. ये भी हो गया. नेक्स्ट इसमें देखो सागर है क्या. नहीं इसमें सागर नहीं है. ठीक है तो यहां पर हम क्या करेंगे इसको एंड करेंगे. टोटल 42,750. तो यहाँ पर क्या होता है टैली होता है 42,750 पे. ठीक है तो इसी के साथ ये क्वेश्चन यहां पर फिनिश होता है. थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग. बाय बाय.